कभी कभी कुछ बातों को ना कहने का अफसोस उम्र भर रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है 6 साल बाद। आज वो सारी पुरानी धूल जमी यादें ताज़ा हो गई हैं। 6 साल बीत गए, यकीन नहीं होता। सच में समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। आज मैंने उसे 6 साल बाद बस स्टेशन के बाहर लगे एटीएम के बाहर खड़े देखा, किसी आदमी के साथ, शायद उसका पति होगा। दिल कह रहा था उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, पर क्या फायदा। जो मैं 6 साल पहले नहीं कह सका उसे आज कहने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे बहुत कुछ बदला होगा इतने लंबे समय में, लेकिन मैं उसे आज भी पहली नजर में ही पहचान गया। वो बिल्कुल नहीं बदली है, अब उसकी शादी हो गई है, जैसा कि मुझे उसे देखकर पता चल पा रहा है। लगभग 6 साल पहले ही मैंने उसे अपनी दुकान के आगे पतली सी व्यस्त सड़क से गुजरते हुए देखा था। जनवरी की किसी ठंड सी सुबह के यहीं कोई 9:30 बजे का समय हो रहा था और मैं अपनी छोटी सी मोबाइल शॉप के बगल वाले पांडे जी की चाय की पहली चुस्की लेने के लिए कांच के उस ग्लास को होठों से लगाने वाला था कि तभी पहली बार मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी थी। वो अपने हाथों को बांधे हुए चल रही थी। उसके मुंह से आने वाले जाड़े का धुआं और ठंड से लाल हो चुकी उसकी नाक उसे खूबसूरत से और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उस सुबह पहली बार मैं किसी के प्यार में पड़ना चाहता था। मैं उसके वापस उसी सड़क पर आने का इंतजार करने लगा। वो वापस 10:30 बजे वहां से गुजरी। सुबह की लाल नाक धूप निकल आने की वजह से अपने असली गोरे रंग में बदल गई थी, लेकिन वो मुझे ठंड से लाल हो चुके नाक में ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। उसके बाद मैं रोज़ सुबह 9:30 बजने का इंतज़ार करता था और चाहता था कि जब वो सामने की सड़क से गुजरे तो समय वहीं थम जाए, जानते हुए भी कि ये संभव नहीं है। वो वहीं कोचिंग जाती थी। किसकी कोचिंग ये मुझे नहीं पता। जब भी उसके आने का समय होता मैं अपनी दुकान के बाहर आ जाया करता। वो 100 मीटर दूर से आ रही होती और मेरी निगाहें उस पर टिक जाया करती जब तक कि वो आंखों से उछल ना हो जाए। मेरी इन हरकतों का उसे भी अंदाज़ा हो गया था। तभी एक सुबह उसने मेरे सामने से गुजर जाने के बाद थोड़ा आगे जाकर वापस पलट कर देखा, शायद ये जानने के लिए या फिर पक्का करने के लिए था कि मैं उसे उसके सामने से गुजरने के बाद भी देखा करता हूँ या नहीं। तो वो उस रोज पलटी और मेरी चोरी पकड़ी गई। दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए थम सी गई और फिर सामान्य से अधिक गति से धड़कने लगी। ये मेरे लिए कुछ नया सा एहसास था। अजीब सा लग रहा था, जैसे अंदर ही अंदर कुछ खाली हो रहा है। उसके दूसरे दिन वो अपने ही समय पर मुझे सामने से आती दिखी। उसने उस दिन मेरे सामने से गुजरते समय एक पल को मेरी तरफ गर्दन घुमाई और उस दिन भी मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने उसके मेरी तरफ देखते ही उसके ऊपर से अपनी नजरें चुरा ली। वो मेरे सामने से निकल गई, लेकिन मेरी नजरें उस दिन उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पता नहीं क्यों। पर उस दिन मुझे उसके वापस कोचिंग से आने का इंतजार करना और दिनों से अधिक बेचैन किया जा रहा था। उसे गए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मैं अपनी दुकान में आकर बैठ गया था। मैं 10:30 बजने का इंतजार करते हुए खुद को उसकी नजरों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने अपने लैपटॉप पर गाने लगाए और सुनने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज़ ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। भैया, टॉपअप हैं आपके पास 20 वाले? मैंने अपनी नज़रें उठाई और मेरे मुंह से बिना कुछ सोचे समझे खुद ही निकल गया, प्लीज़ भैया मत बोलो मुझे। वो आवाज़ उस लड़की की थी। मेरे ऐसा कहने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? वैसे तो उसका मुस्कुराना ही उसके क्यों का जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी जुबान से उसके क्यों का जवाब नहीं दे पाया। मैंने बात को काटते हुए कहा, नहीं, कूपन नहीं है, फ्लेक्सी हो जाएगी। नहीं, फ्लेक्सी नहीं करानी, वो तब भी मुस्कुराते हुए बोली और ओके थैंक्स कहते हुए चली गई। मैं उसका नाम जानना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पाया। उसके दुकान से निकलते ही मैं उसके पीछे बाहर निकला और उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन था कि मेरी नजरें उसका पीछा कर रही हैं। वो कुछ मीटर जाने के बाद पलटी और इस बार मैंने नजरें नहीं चुराई। उस रोज मैं उसे बहुत देर तक जाते हुए देखता रहा और मैंने अपनी नजरें नहीं चुराई।
हमारी आंखें टकराई, पर मैंने उस दिन आंखें नहीं हटाई। उसकी आंखों में झांकता रहा और वो भी मुस्कुराती। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं वो जानती है कि मैं उसे क्यों देखता हूँ, और मेरे ऐसे उसे प्यार से देखने में उसे कोई एतराज़ भी नहीं था। बदकिस्मती से उस दिन इस सब के बाद गांव से फ़ोन आया कि माँ की तबीयत ख़राब है। मुझे आनन फानन में ही घर जाना पड़ा और फिर 2 महीनों तक मैं लौट ही नहीं पाया। जब लौटा तो शायद वो क्लासेस जाना छोड़ चुकी थी। मैंने कुछ दिन उसके इंतज़ार में दुकान खोली, पर ना तो इस तरफ आई और ना ही मेरे खोजने पर मुझे कुछ दिखाई दिया। माँ लगातार बीमार हो रही थी, इसीलिए मैंने दुकान हमेशा के लिए बंद करके गांव वापस लौटने का फैसला किया। कैसी अजीब बात थी, मुझे एक लड़की से प्रेम था जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था। गांव लौटने के बाद समय के साथ मैं उसे भूलता गया। अब 6 साल बाद उसी पुराने शहर में आए मुझे 3 महीने होने को है, और आज उसका दीदार फिर से हो गया। मैं आज भी उसका नाम नहीं जानता। अब जानकर करना भी क्या, उसकी शादी हो गई है, उसने मंगलसूत्र पहना है, वो काफ़ी खुश है, और मुझे भी होना चाहिए। हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो पाएं, इसीलिए जो हमारे हक में है हमें उसी पर संतोष करना पड़ता है। यही जिंदगी है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था राजेंद्र नेगी ने। राजेंद्र नेगी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में एक निजी कार्यालय में नौकरी करते हैं। आपको ये किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं आपको पंकज जीना के नाम से मिल जाऊंगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी, ये है हैशटैग किस्सा।